सिद्धं शुद्धं पडमिय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयडभूषणुदयं जीवस्वरूपणं वोच्यं। गुमट सार जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में सम्यक्त मार्गणा का वर्णन चल रहा है। सम्यक्त मार्गणा में छह द्रव्यों के श्रद्धान के बारे में बताया जा रहा है और उन छह द्रव्यों के अनेक तरह से स्वभाव फल आदि जानने के बाद में यहाँ गाथा नंबर 607 से हमें जो शरीर आदि बनते हैं उनके लिए जो आवश्यक वर्गणाएँ होती हैं, या पहले आपको जो बताया था कि पांच प्रकार की वर्गणाएँ अपने उपयोग में आती हैं, उन्हीं को यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है और इन दो गाथाओं में कुछ इसी तरह का वर्णन है। गाथा नंबर 607। आहार वग्गणा दो तिन्नि शरीराणि होन्ति उस्सासो निस्सासो वियतेजो वग्गण खंधादुते जंगम। यहाँ कहते हैं आहार वग्गणादो यानी आहार वर्गणा से तिन्नी शरीराणी होंती, तीन शरीर होते हैं। आपको जब 23 वर्गणाओं के बारे में बताया था तो उसमें एक आहार वर्गणा के बारे में भी बताया गया था। तो वो जो आहार वर्गणाएं होती हैं उनसे तीन प्रकार के शरीर बनते हैं। कितने प्रकार के? हाँ, जो हमें शरीर स्थूल रूप में दिखाई देते हैं, अन्य अन्य गतियों में भी जो प्राप्त होते हैं, वह तीन प्रकार के शरीर होते हैं। औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर और आहारक शरीर। ये तीन प्रकार के शरीर स्थूल शरीर कहलाते हैं। और बाकी के जो दो शरीर होते हैं तेजस और कर्मण, ये तो हमेशा ही आत्मा से बंधे हुए रहते हैं। तो जो तीन प्रकार के शरीर बनते हैं वो आहार वर्गणा से बनते हैं। यानी जो औदारिक शरीर है जो कि मनुष्य और त्रियंचों का होता है, वह कौन सी वर्गणा से बनेगा? आहार वर्गणा से। तो आहार वर्गणाओं के माध्यम से ही औदारिक शरीर बना, आहार वर्गणाओं से ही वैक्रियक शरीर बनता है जो देव और नारकियों का होता है, और आहार वर्गणा से ही आहारक शरीर बनता है जो कि मुनि महाराज के लिए एक हाथ प्रमाण पुतला मस्तक से निकलता है, वह आहारक रिद्धि के माध्यम से आहारक शरीर की रचना होती है। तो ऐसे ये तीनों ही शरीर आहार वर्गणा के कारण से निष्पन्न होते हैं, ऐसा बताया गया। यानी आहार वर्गणा हमारे काम में आती हैं, जिनसे हमारा शरीर बनता है। वो पुद्गलों के जो समूह हैं, स्कंद हैं, उनका जो नाम है उसको आहार वर्गणा कहते हैं। जिनसे शरीर बनता है वो पुद्गलों का समूह आहार वर्गणा के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा उस्सासो निश्वासो वीय, यानी उस्वास और निश्वास, जो हम श्वासोच्छ्वास लेते हैं वह श्वासोच्छ्वास भी आहार वर्गणा से ही निष्पन्न होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं,
इसमें भी आहार वर्गणा ही हम ग्रहण कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं। यानी श्वास उच्छ्वास में भी आहार वर्गणा है और उस श्वास के साथ साथ जो शरीर अनेक प्रकार के पुद्गलों को धारण करते हुए अनेक प्रकार के रूपों में हमें दिखाई देता है, वह भी आहार वर्गणा के कारण ही होता है। यानी शरीर का बनना और श्वासोच्छ्वास का होना, ये दोनों ही काम आहार वर्गणा के माध्यम से किए जाते हैं। तो आहार वर्गणा का यह कार्य हमेशा याद रखना है कि तीनों शरीर भी आहार वर्गणा से होते हैं और जो हम श्वासोच्छ्वास लेते हैं वह भी आहार वर्गणा से ही होता है। यानी श्वासोच्छ्वास के लिए कोई अलग से और दूसरी क्वालिटी के कोई पुद्गल वर्गणाएँ नहीं होती, आहार वर्गणा ही श्वासोच्छ्वास में कारण बनती हैं। ये बात यहाँ पर कही गई। फिर अंत में कहते हैं तेजो वग्गणम खंदादु तेजंगम। तेजंगम माने तेजस शरीर। जो तेजस शरीर बनता है यह तेजस वर्गणाओं के स्कंद से बनता है। तेजस शरीर का मतलब जो आत्मा में तेजस शरीर बंधा हुआ रहता है और वह शरीर हमारे इस औदारिक शरीर में एक तेज यानी ऊष्मा उत्पन्न करता है। अपने शरीर में जहाँ कहीं पर भी हमें एक शरीर में ऊष्मा महसूस होती है, शरीर में जो गर्मी होती है, अग्नि होती है, वह सब तेजस शरीर के कारण से होती है ना। यानी जो हम भोजन लेते हैं वह भी अग्नि के माध्यम से ही पचता है, तो उसमें भी तेजस शरीर काम करता है। और भी शरीर में जो ऊष्मा एक टेम्परेचर सबकी बॉडी में रहता है वह भी तेजस शरीर के कारण से होता है। तो तेजस शरीर जो हमारे इस औदारिक शरीर को तेज देता है, एक कांति भी देता है, वह तेजस शरीर तेजस वर्गणाओं से बनता है। यानी आत्मा में हमेशा तेजस और कार्मण शरीर दोनों बंधे हुए रहते हैं। तो तेजस शरीर जिस वर्गणा से बनेगा वो वर्गणाएँ अलग हैं और कार्मण शरीर जिससे बनेगा वो वर्गणाएँ अलग हैं। तो ऐसे हमको अलग अलग पुद्गल की वर्गणाएँ अलग अलग रूपों में देखने को मिलती हैं, जानने को मिलती हैं। तो शरीर में तेजस वर्गणा के माध्यम से ये हमें कार्य दिखाई देता है, तो तेजस वर्गणा से ये तेजस शरीर बना ऐसा जानना। तो औदारिक आदि शरीर की वर्गणा अलग हो गई और तेजस शरीर की वर्गणाएँ अलग हो गई। आगे और कहते हैं भासमण वग्गणादो कमेण भासा मणम च कम्मादि अठवीय कम्मदवम होदित्ति जिणे हिणे दिठम। अब यहाँ कहते हैं भास मण वग्गणा दो। भास माने भाषा, मण माने मन, इनकी वर्गणाओं से कमेण माने क्रम से भाषा मणम च, यानी भाषा और मन बनते हैं। जो हम बोलते हैं वह बोलना, जो भाषा हमारी होती है उस भाषा में भी पुद्गलों की वर्गणाएं काम करती हैं। वो पुद्गल वर्गणाएं होती हैं जो भाषा रूप में कन्वर्ट होकर के हमें अपने कानों से सुनाई पड़ती हैं या दूसरों के कानों तक पहुंचती हैं। तो वह जो भाषा है उस भाषा या उस शब्द रूप परिणमन करने वाले जो पुद्गल हैं उनको भाषा वर्गणा कहा जाता है।
तो ये पुद्गल वर्गणाएँ अलग हैं, ये आहार वर्गणाओं से भाषा नहीं बनेगी। भाषा किससे बनेगी? जो हम वचन बोल रहे हैं वो कौन सी वर्गणा है, तो उसका नाम ही भाषा वर्गणा है। यानी वचन बोलने में काम आने वाले पुद्गल अलग होते हैं, और शरीर को बनाए रखने वाले या श्वासोच्छ्वास को लेने वाले पुद्गल अलग होते हैं। ऐसे अलग अलग जाति के पुद्गलों को यहाँ पर बताया गया है। 23 प्रकार की जो जातियाँ बताई गई थीं, भेद बताए गए थे, उनमें काम आने वाले ये पुद्गलों कई वर्गणाओं का यहाँ पर ज्ञान कराया जा रहा है। तो भाषा वर्गणा से क्या बना? भाषा शब्द, ये रचना हुई। और मन वर्गणा अलग होती हैं, तो मन वर्गणा से क्या बना? मन बनता है। क्या बनता है? मन, मन की रचना होती है। सभी जीव संगी हैं, मनुष्य जितने भी होते हैं कैसे होते हैं? संगी, मन सहित होते हैं। तो कुछ जीव मन से रहित होते हैं, उन्हें बोलते हैं असंगी। तो जो मन से सहित होंगे उनमें मन की रचना होगी। वो मन की रचना जिस पुद्गल वर्गणा के निमित्त से होती है उसे कहते हैं मनोवर्गणा। वो मन के रूप में ही परिणमन करेंगे। तो ऐसी मनोवर्गणाओं के माध्यम से मन बनता है, है ना। ये पहले भी कई बार बताया गया है कि हृदय में अष्ट कमल के, अष्ट दलीय कमल के आकार का मन की रचना होती है। मन कैसी रचना वाला होता है? 8 पंखुड़ी का एक कमल जिस तरह से दिखाई देता है वैसा ही सूक्ष्म है ये मनोवर्गणाएं, इनसे वह मन की रचना होती है। तो इसको द्रव्य मन कहा जाता है। यानी द्रव्य मन की रचना इस प्रकार की मनोवर्गणा के माध्यम से होती है। तो हमें पता नहीं है कि किस तरह की पुद्गल वर्गणाएं हमारे काम में अलग अलग रूप से आ रही हैं, उनका ये विज्ञान यहाँ बताया जा रहा है। फिर कहते हैं कम्मादो, यानी कर्म वर्गणा से क्या बनता है? अठवीय कम्म दव्यम होती, 8 प्रकार के कर्म द्रव्य बनते हैं। कर्म को बनाने वाले पुद्गल अलग हैं, इसलिए यहाँ पर उन्हें कार्मण वर्गणा के नाम से कहा गया है। तो कार्मण वर्गणाओं के माध्यम से 8 प्रकार के कर्मों की रचना होती है। जो 8 प्रकार के कर्म हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहनी आदि, ये 8 प्रकार के कर्म किस पुद्गल से बनेंगे? तो कर्म वर्गणा से बनेंगे, ऐसा जानना। ये ही वो चीज़ें हैं जो हमारे काम में आती हैं, यही वर्गणाएँ। इति जिने ही निर्दिष्टम, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने निर्दिष्ट माने कहा है। तो ये हम देखें इन दोनों गाथाओं में, 607 और 608, इन दोनों ही गाथाओं में जो वर्गणाएँ हमारे उपयोग में आती हैं उनका यहाँ कार्य बताया गया है, है ना। तो कितनी वर्गणाएँ हो गई? 5 ही वर्गणाएँ हुई। एक आहार वर्गणा कही, दूसरी तेजस वर्गणा थी, है ना, तीसरी भाषा वर्गणा, चौथी मनोवर्गणा और 5वीं कर्म वर्गणा। ऐसी 5 वर्गणाएँ हमारे उपयोग में आती हैं। बाकी की जो वर्गणाएँ हैं वो तो इस लोक में भरे रहते हैं, उनका उपयोग हमारे लिए नहीं है, लेकिन उनका अस्तित्व तो होता है, है ना। तो 23 प्रकार की वर्गणाओं में 5 प्रकार की इन वर्गणाओं का जो उपयोग था वो हमें बता दिया गया। हम समझ सकते हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, हम जो भाषा बोल रहे हैं, हम जो कर्म बंध कर रहे हैं, और हमारे साथ जो तेजस शरीर है, ये सब अलग अलग क्वालिटी की पुद्गल वर्गणाओं से मिलकर के ये 5 कार्य अलग अलग चलते हैं, है ना। और हमें कुछ पता तो होता नहीं है, तो पता नहीं भी हो और जो हो रहा हो और फिर उसका पता पड़ जाए तो उसी का नाम विज्ञान कहलाता है।
विज्ञान की क्या परिभाषा है, समझ में आ रहा है? विज्ञान किसे कहते हैं? जो कार्य तो हो रहा हो किंतु हमें पता ना हो, और फिर हमें उसका ज्ञान हो जाए कि ये इस कारण से ऐसा होता है, तो उसी का नाम विज्ञान कहलाता है। समझ आ रहा है? यानी घटित होने वाली चीज का ज्ञान होने का नाम ही विज्ञान है। समझ में आ रहा है? शरीर विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये विज्ञान इसीलिए हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है लेकिन हमें पता नहीं है ना। हमने भोजन किया, शरीर में पहुंचने के बाद कैसे परिणमन कर गया हमें पता नहीं, जब हमें किसी ने बताया ऐसे ऐसे होता है तो उसी का नाम हो गया विज्ञान, है ना। भोजन किस किस तरह से किन किन रूपों में बदल जाता है, इसकी जो सूक्ष्म जानकारी मिली इसी का नाम हो गया विज्ञान। और क्या होता है ना, गैस कैसे बनी, किन किन अणुओं से मिलकर के बनी, वैसे तो बनती ही रहती हैं लेकिन कैसे बनी। अब कार्बन डाइऑक्साइड हम नहीं भी जानते हैं तो भी हम छोड़ते ही रहते हैं, ऑक्सीजन हम अगर नहीं भी जानते हैं तो भी हम लेते ही रहते हैं। तो जब हमसे कोई कहता है कि ऑक्सीजन का मतलब O2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब CO2, तो ये विज्ञान हो गया, इसका नाम केमिस्ट्री हो गई। समझ आ रहा है? और नहीं है तो भी हो तो रहा ही है, पेड़ पौधे है ना कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हमें कुछ पता नहीं है लेकिन हो तो सब रहा है। जब किसी ने हमें समझाया बताया तो उसी का नाम रसायन विज्ञान हो गया। समझ आ रहा है? ऐसे ही भाषा रूप में परिणमन करने वाली भाषा वर्गणाएं, मन के रूप में परिणमन करने वाली मनोवर्गणाएं, कर्म के रूप में परिणमन करने वाली कर्म वर्गणाएं आदि, ये सब अपना काम कर रही हैं। हम सब उस मशीन से अपने अंदर उन वर्गणाओं का परिणमन करा रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है तो भी हो रहा है, और पता पड़ गया तो अब ये कहलाता है विज्ञान। इसे बोलेंगे भौतिक वर्गणाओं का विज्ञान, पुद्गल का विज्ञान, ये हमें यहाँ पर बताया गया। समझ आ रहा है? तो ये साइंस पढ़ाई जा रही है आपको। अब विशेष रूप से साइंस अब आगे आ रही है एक और, जिसे अणु का विज्ञान कहते हैं, अणु परमाणुओं का ज्ञान, कि उन अणु परमाणुओं का बंध आदि कैसे होता है, उसके विषय में यहाँ कुछ वर्णन आ रहा है। गाथा नंबर 609। निद्धतम लुखतम बंधस्य कारणम तु एयादि संखेज्या अणंतविया निद्धलोक गुणाम। अब यहाँ कहते हैं निद्धत्तम माने स्निग्धत्वम, स्निग्ध को प्राकृत में निद्ध बोलते हैं, है ना, और लुख माने रुक्ष, रूखा। क्या समझ में आ रहा है? जिसे हम अपनी हिंदी भाषा में रूखा बोलते हैं उसे प्राकृत में रुख बोलते हैं, है ना, और रा का ला भी हो जाता है तो उसी को लुख कहा जाता है, और संस्कृत में उसको रुक्ष कहते हैं, है ना। तो रुक्ष से रुख बनता है और रुख से हम उसको रुख रुख का रुख रूखा रूखा कहने लग जाते हैं, है ना। तो दो ही प्रकार के ये विशेष गुण होते हैं, एक स्निग्ध और एक रुक्षत्व। बंधस्य कारणम, यही बंध के कारण है, यानी जो भी पुद्गल के परमाणुओं में बंध होता है उस बंध के लिए कारणभूत ये दो प्रकार के गुण होते हैं, स्निग्ध गुण और रुक्षत्व गुण, है ना। स्निग्ध माने उनके अंदर की एक चिकनाई जैसा गुण, और रुक्ष माने रूखा गुण।
ये दोनों ही बंध के कारण होते हैं। कारणम तु ए आदि संख्येज्जा अनंत विदा, है ना, एक को आदि लेकर के संख्यात असंख्यात अनंत प्रकार के निद्ध लुख गुणा, यानी स्निग्ध और रुक्ष गुण हो जाते हैं। क्या मतलब हुआ? स्निग्ध गुण और रुक्ष गुण एक प्रकार के नहीं होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक से प्रारंभ करके, माने एक अंश वाला स्निग्धपना जो सबसे जघन्य होगा, सबसे हल्का, सबसे कम होगा, वो कहलाएगा एक अंश वाला स्निग्ध या रुक्षपन। फिर उसी में और उसकी स्निग्धता बढ़ गई तो वह दो तीन आदि संख्यात असंख्यात आदि अनंत तक चला जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं बंध करने के लिए पुद्गल परमाणुओं में जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी के अंशों का बढ़ना। तो वो क्वालिटी के अंश बढ़ते हुए जघन्य से उत्कृष्ट तक हो जाते हैं, है ना, समझ आ रहा है? जैसे मान लो पानी है ना, तो पानी में भी कुछ चिकनापन होता है। कागज से पानी लग जाता है तो कागज में कागज चिपक जाता है, तो पानी में भी एक अपना बंद करने वाला गुण है ना। अब पानी के अलावा कोई मान लो गोंद मिल गया आपको, है ना, या गोंद से पहले कुछ ऐसे फल आते हैं जिनसे दूध निकलता है, छीरी फल बोलते हैं उनको, है ना, जैसे बट के, पीपल के, वृक्ष के फल होते हैं, तो इनके दूध से भी चिपकन होता है, उसमें भी चिपकनापन आता है, तो उससे भी कई चीज़ें चिपक जाती हैं, है ना, तो उसमें भी एक चिकनापन है, वो भी बंद का कारण है, उसकी क्वालिटी अलग है। पानी में जो बंद है उसकी क्वालिटी अलग है। ज़्यादा क्या अपने मुंह में थूक होता है, कभी कभी हम उससे भी लिफाफा चिपका देते थे, उसमें भी बंद का गुण है ना। मतलब जो अपन समझ रहे हैं कि चिकना बंद का गुण जो होता है वो अलग अलग चीज़ों में कैसे होता है, अलग अलग होता है ना, तो वो एक प्रकार का नहीं है, संख्यात असंख्यात अनंत प्रकार का ऐसे हो जाता है। तो पानी का अलग, लार का अलग, दूध का अलग, है ना, दूध में भी गाय आदि का दूध है उसका चिकनापन अलग, जो फल के दूध हैं उसका चिकनापन अलग, फिर उन्हीं वृक्षों में गोंद निकलती है उसका चिकनापन अलग, समझ आ रहा है? और फिर ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आपने फेविकॉल बना लिया, है ना, जिससे बड़ी बड़ी लकड़ियां भी चिपका देते हैं, फर्नीचर में चिपकाने में काम आता है फेविकॉल का मजबूत बंद, है ना, तो वह भी आपने उसमें वो पोटेंसी डाली अनेक केमिकलों के माध्यम से इकट्ठा करके, जिसके कारण से वो एडहेसिव मैटर उस तरीके का बन गया वो। तो ये जो भी उसके अंदर जो पोटेंसी आ रही है ये पुद्गलों के ही बंध गुण के कारण से आ रही है ना। अगर पुद्गलों में इस तरह की पोटेंसी क्रिएट करने का स्वभाव नहीं होगा तो उनमें अपने आप ऐसा बंद करने के लिए, चिकनापन या बंद करने के लिए ये स्निग्ध और रुक्ष गुण का परिणमन दिखाई नहीं देगा। तो स्निग्ध और रुक्ष गुण के परिणमन से ही ये अनेक प्रकार के बंद होते हैं, ऐसा जानना। आगे की गाथा और पढ़ते हैं। एक गुणम तु जहंडम निद्धट्ठं विगुण तिगुण संखेज्जा संखेज्जानंत गुणम होदितः रुक्ख भावम च। अब इसमें कहते हैं कि एक गुण वाला जो स्निग्ध की पर्याय है वो तो हुई जघन्य। एक गुणम तु जघन्यम, है ना, एक गुण का मतलब हो गया जो बिल्कुल उसमें सबसे मिनिमम, उसमें जो एक क्वालिटी होगी स्निग्ध बने की वो एक गुण वाली कहलाएगी। एक अंश माने उस पर्याय का सबसे निकृष्ट जगन्यतम अंश वो कहलाएगा। फिर
निदर्थम, फिर वो बढ़ता चला जाता है वही अंश, तो विगुण, विगुण माने दुगुणा हो जाता है, तीन गुना हो जाता है, संख्यात गुणा हो जाता है, असंख्यात गुणा हो जाता है और अनंत गुणा तक पहुंच जाता है। तो ये उनके अंदर का जो स्निग्धपना है ये अनंत गुणे तक पहुंच जाता है। एक पर एक से शुरू होकर के कहां तक, संख्यात असंख्यात अनंत गुणे तक पहुंच जाता है। तो जिस परमाणु में जिस तरह का ये गुण प्रकट होगा उसमें उसी तरह का दूसरे परमाणु से बंद करने की योग्यता आती है। इसलिए यहां पर यह बताया जा रहा है कि ये स्निग्ध और उसी तरह से जैसे स्निग्ध में बताया तहा रुक्ष भावम च, यानी उसी प्रकार से रुक्ष भाव को भी जानना, यानी रुक्ष गुण भी जगन्य से एक अंश वाला होगा और फिर वह भी बढ़ते बढ़ते दो गुणा तीन गुणा ऐसे होते होते संख्यात गुणा असंख्यात गुणा और अनंत गुण वाला हो जाएगा। तो इनमें यह अलग अलग जो गुण हैं ये अलग अलग गुण ही उस पुद्गल के परमाणुओं की अलग अलग योग्यता बताते हैं और इसी योग्यता के माध्यम से अलग अलग तरह के बंद भी होंगे, ठीक है ना। तो बंद होने के लिए यहाँ पर ये कारण बताया जा रहा है। जैसे आपने कभी फिजिक्स में पढ़ा हो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्डिंग है ना, उसमें वैलेंसी होती थी, एक संयोजक द्विसंयोजक प्लस माइनस उसमें भी होता है, समझ आ रहा है। जो अणुओं में बॉन्डिंग बताई जाती थी तो उसमें भी प्लस माइनस के साथ में बताई जाती थी। तो उसी को आप ये समझ लें कि प्लस का मतलब हो गया स्निग्धपना और माइनस का मतलब हो गया रुक्षपना, ऐसे ही है ना। और उसकी वैलेंसी क्या बोलते हैं उसको, संयोजकता शायद हिंदी में बोलते हैं, वो एक एक बढ़ती चली जाती है, एक दो तीन चार ऐसे उस पर डिग्री उसकी जो बढ़ती चली जाती है। तो उसी तरह की यहाँ पर ये जो स्निग्ध गुण है और रुक्ष गुण है इसकी डिग्री बढ़ती चली जा रही है ना, एक से लेकर के अनंत तक ये बढ़ जाती है। तो वो अनंत वाला जो होगा वो अनंत के साथ में उसकी जो डिग्री होगी वो अनंत रूप जो दूसरा पुद्गल स्कंद होगा उसके साथ बंध को प्राप्त होगा, है ना। एक वाले में बंधने की क्षमता नहीं होती है, ये आगे नीचे बताया जा रहा है। एवं गुण संयुक्ता परमाणु आदि वगड़म मिठिया जोगदुगाणम बंधे दोंडम बंधो हवे नीमा। हाँ, अब इन दोनों गाथाओं का आलंबन लेकर के यहाँ कहा जा रहा है एवं माने इस प्रकार गुण संयुक्ता यानी गुणों से संयुक्त परमाणु जो हैं वो आदि वगड़म मिठिया माने आदि वर्गणा में स्थित होते हैं। क्या कहा गया, इस प्रकार के गुणों से संयुक्त जो परमाणु हैं, आदि वर्गणा का मतलब था सबसे पहली वर्गणा कौन सी थी, जिसे एक अणु वर्गणा कहा गया था। सबसे पहली वर्गणा का नाम क्या था, अणु वर्गणा। याद तो आपको कुछ रहता नहीं है, है ना, और करने की जरूरत भी आपको सभी समझ नहीं आती है ना। तो जो सबसे पहली वर्गणा थी अणु वर्गणा, उस वर्गणा में इस प्रकार के गुणों से संयुक्त परमाणु होते हैं। कैसे परमाणु होते हैं, तो वो एक गुण वाले भी होंगे, संख्यात असंख्यात आदि गुण वाले परमाणु भी होते हैं। लेकिन बंध किसका होगा वो यहां बताया जा रहा है, जोग दुगाणम बंधे। बंध जो होता है वो योग्यता के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है, योग्यता। जिन अणुओं में बंध होने की योग्यता होगी वही बंध को प्राप्त होंगे। तो योग्यता क्या होनी चाहिए वो आगे बताया जाएगा। तो योग्य एक में बंध नहीं होगा, कम से कम दो होने चाहिए, है ना। तो जब योग्य दो परमाणु भी आपस में मिल जाएंगे तो वो बंध को प्राप्त हो जाएंगे। तो बंधम दोंडम बंधो हवे नियमा, फिर दो में बंध नियम से हो जाता है, ऐसा यहां कहा गया। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, निद्ध निद्धान बज्जंती
रुख रुखाय पोगला निद लुखाय बज्जंती रूवा रूवीय पोगला है ना। क्या कहा जा रहा है? निद निद्धा न बज्जंती। यहां जो कहा जा रहा है कि स्निग्ध और स्निग्ध इन दोनों में बंद नहीं होता है, एक बात यहां कही गई है ना। रुख रुखा या पोगला, उसी तरह से रुक्ष रुक्ष में भी बंद नहीं होता है। निद लुखा या बज्जंती है ना। फिर कहते हैं स्निग्ध और रुक्ष में बंद होता है, ऐसा कहना पड़ेगा। रूबा रूबी या पोगला है ना। वैसे इसका गाथार्थ अगर निकालें तो अगर एक नाक का उपयोग हम दूसरे के साथ कर रहे हैं तो तीसरे के साथ भी कर सकते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि स्निग्ध और रुक्ष का भी बंद नहीं होता है। फिर किसका होता है? तो रूबा रूबी या पोगला, जो रूपी और अरूपी पुद्गल हैं उनका बंद होता है ना। यहां पर थोड़ा सा एक नया ज्ञान, एक नया विषय दिया जा रहा है। हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ जो कहा जा रहा है वो स्निग्ध 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 रुक्ष स्निग्ध रुक्ष इनका संबंध ना बता करके एक नई संज्ञा बताई गई, रूपी और अरूपी उनका बंद होता है, ऐसा समझना चाहिए। तो वो रूपी अरूपी क्या होते हैं ये आगे की गाथा में बताया जाएगा। वैसे इस गाथा का जो अर्थ है वो ये निकाला जाता है कि स्निग्ध स्निग्ध में बंद नहीं होता है ना, और रुक्ष रुक्ष में बंद नहीं होता, लेकिन स्निग्ध और रुक्ष में बंद होता है और वह भी रूपी और अरूपी में होता है। लेकिन इस गाथा का इस अर्थ को हमें एक सामान्य अर्थ समझना चाहिए, क्योंकि आगे आपको बताया जाएगा कि स्निग्ध स्निग्ध में भी बंद होता है और रुक्ष रुक्ष में भी बंद होता है और स्निग्ध रुक्ष में भी बंद होता है। समझ में आ रहा है? ये आगे बताया जाएगा, इसलिए इसको नियम नहीं बनाना, ये सामान्य कथन समझना, विशेष नियम आगे बताए जाने वाले हैं। निद्ध दरोली मज्जे विसरिस जादिस समगुड़े मेकम रूवित्ति हो दिसन्ना से साड़म ते अरुवित्ति। यहां कहते हैं निद्ध इधर उली मज्जे है ना। निद्ध और माने स्निग्ध का उल्टा रुक्ष, इनकी उली, उली का मतलब होता है जो इनकी हमने श्रेणी बना दी, पंक्ति एक दो तीन चार पाँच छः, ये क्या बन गई, इसको ओली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओली, होली नहीं, ओली है। तो ऐसी इनकी जो ये ओली बनेगी, श्रेणी बनेगी, उसमें जो विसद्रस जाति का समगुण के साथ में एक गुण वाला जो परमाणु होगा उसकी तो रूपी यह संज्ञा होगी, शेषाणम ते अरुवित्ति, शेषों की अरूपी संज्ञा होगी, यानी इनका नामांकन किया जा रहा है। रूपी किसे कहेंगे? चाहे स्निग्ध गुण वाला हो चाहे रुक्ष गुण वाला हो, उसमें जो विसद्रस जाति के समगुण वाला जो एक अंश का जो परमाणु होगा वो तो रूपी कहलाएगा और बाकी के सभी अरूपी कहलाएंगे, है ना। इसका भी स्पष्टीकरण आगे के सूत्रों में होगा। दो गुण निद्धाणुस्य दो गुण लुखाणुगम हवे रूवी एक तिग गुणादि अरूवी रुख सवितम य इदि जाने। अब यहां पर और थोड़ा सा स्पष्टीकरण किया गया। दो गुण निद्धाणुस्य यानी दो गुण स्निग्ध
वाला जो अड़ू है उसका दो गुण लिखाणुगस, जो दो गुण वाला रुक्ष अणु है ये हवे रूवी, इनको तो हमने रूपी कहा। यानी रूपी का मतलब क्या हुआ, दो गुण स्निग्ध वाला अणु भी रूपी है और दो गुण रुक्ष वाला अणु भी रूपी है। यानी जिसमें रुक्ष के दो गुण हो या स्निग्ध के दो गुण हो वो कहलाया रूपी। इग तिग गुणादि अरूपी है ना, एक दो तीन आदि गुण वाले जो परमाणु होंगे ये कहलाएंगे अरूपी। क्या समझ में आया, एक तीन गुण आदि वाले ये परमाणु क्या कहलाएंगे, ये अरूपी कहलाएंगे। यानी एक तीन पांच सात इस तरह की जो ये ओली चलेगी ये कहलाई अरूपी है ना। और दो गुण स्निग्ध वाली ये जो ओली है ये दो चार छ आठ है ना, इसको कहा गया रूपी। अब जैसे स्निग्ध के लिए कहा वैसे ही रुक्ष के लिए भी जानना, तो इस तरह से यहां पर अभी रूपी और अरूपी बताया जा रहा है। फिर इसमें बंद होगा, उसके लिए आगे गाथाएं बताई जाएंगी, वो आपको बाद में समझाया जाएगा कि कैसे उनमें बंद होता है। वस्तुतः ये सब जो तत्वार सूत्र का पांचवा अध्याय है उसमें जो वर्णन आता है उसी के अनुसार यहाँ कहा गया है, लेकिन यहाँ पर रूपी और अरूपी ऐसे एक नए शब्द डाल करके कुछ यहाँ पर उसको अलग तरह से समझाने का प्रयास किया गया है। वस्तुतः आप लोगों को इसमें उलझने की जरूरत नहीं है, अल्टीमेटली प्रोसेस वही होगा जो तत्वार सूत्र बताया गया है ना। चाहे वो अभी कितना ही गाथाओं में घुमा लिया जाए लेकिन बात वहीं पे आएगी जैसे तत्वार सूत्र में कहा गया है ना। क्योंकि तत्वार सूत्र में जैसे भी कहा गया न जगन्य गुणानाम है ना, द्वैधिकादि गुणानाम तू बंदे दिखऊ पारिणाम कऊ चा, बस यही इसी तरह से ही बंद होगा और किसी तरह से नहीं होगा जो आगे की गाथा में बताया जाएगा। जो कह दिया बस उसको सुन लिया है ना, मान लिया। चलिए इतना ही ठीक है आज का।